सीएए लागू होने के बाद भारत सरकार ने पहली बार पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी है। मंत्रालय की तरफ से 14 लोगों को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया गया। ये हिंदू पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आए थे और करीब 10 साल से दिल्ली में रह रहे थे। सीएए विधेयक को संसद ने दिसंबर 2019 में मंजूरी दी थी, लेकिन विरोध की वजह से इस कानून को इसी साल मार्च में नोटिफाई किया जा सका। इसके बाद आज लोगों को नागरिकता मिल गई है। पाकिस्तान से आए जिन शरणार्थियों को नागरिकता मिली, उनका कहना है कि ये उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है और पीएम मोदी और गृहमंत्री ने अपना वादा पूरा किया। आज से हम हिंदुस्तानी कहलाएंगे और हम सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। वो राम और लक्ष्मण की जोड़ी ने उन्होंने हमारा बड़ा गरीबों की सुनी है। सीए लाए हैं, सीए संसद में कहा था कि सीए लागू करेंगे और जो अमित शाह जी ने कहा वो किया। बहुत बढ़िया है, नागरिकता मिल गई है और अभी जो ना भविष्य में हम आगे बढ़ सकते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल जो ना वो भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार के तरफ से, गृह मंत्रालय के तरफ से अब ये भारतीय नागरिक बन गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है। जी जी जी, बहुत खुश हैं जी हम। नागरिकता आपको मिल गया, इसका मतलब आप भारत के नागरिक बन गए, तो जो भारत के नागरिक को सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से वो आपको भी मिलेंगी, पहले नहीं मिल पाती। खुशी जी, इसी बात की तो खुशी है हमें। हम पढ़ सकते हैं आगे, सब अपना कुछ काम कर सकते हैं, राइट्स मिलेंगे हमें, नौकरी वोकरी मिल सकती है इससे हमें। बहुत इतनी खुशी हो रही है कि हमें नागरिकता मिल गई, हम यहाँ आ गए और हम तो नहीं पढ़े लिखे, हमारे बच्चे सुधर जाएंगे। और मोदी जी से यही प्रार्थना है कि बहुत बहुत नमस्कार उसको हमारा कि वो हमें नागरिकता मिली है। मोदी को भी बहुत निवेदन है और भारत धरती माँ हमारी, उसको भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।